मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में हॉब्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। और हॉब्स ने प्राकृतिक दशा में जिन प्राकृतिक अधिकार और जिन प्राकृतिक कानूनों का विवेचन किया है उसका अध्ययन करेंगे। हॉब्स यह मानते हैं कि कानून प्रशासन की कृति है, यानी कानूनों का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है, परंतु फिर भी वह ऐसे कानूनों की बात करता है जिनको प्राकृतिक कानूनों के नाम से जाना जाता है। यद्यपि हॉब्स यह मानकर चलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में इन प्राकृतिक कानूनों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्राकृतिक कानून हैं। और इस संबंध में वो कहते हैं, यह ऐसा आदेश और सामान्य नियम है जिनको विवेक से जाना जाता है, और यह उन कार्यों के निषेध की बात करते हैं जो उनके लिए बाध्यकारी है, यानी उन कानूनों का निषेध ये करते हैं जो उनके लिए बाध्यकारी है। हॉब्स ये मानता है कि मानव स्वभाव में बहुत सारी बुराइयां हैं। उसके जीवन में हमेशा ऐसे अवसर आते हैं जब वह प्राकृतिक कानूनों को समझने लगता है और उसमें अपनी आस्था या विश्वास रखने लगता है, और इस आधार पर ये नैतिक नियम हैं जिन्हें वह अपने विवेक के आधार पर समझता है। इन कानूनों के संबंध में वो यह मानकर चलते हैं कि इनका महत्व तभी होता है जब सब इनका पालन करें, यानी अगर सब पालन नहीं करते, समाज में कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं, तो फिर इनका कोई महत्व नहीं है। और अगर कुछ लोग पालन करते हैं और कुछ नहीं करते तो ये कानून अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था में ये कानून थे, लेकिन इनका महत्व इसलिए नहीं था क्योंकि समाज के कुछ समाज तो था ही नहीं, जो लोग रह रहे हैं वह इन सब लोग इन कानूनों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार भी थे, और वो यह कहते हैं कि ये अधिकार व्यक्तिगत अधिकार हैं जिनको करने के लिए व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र होता है, और उसके व्यक्तित्व के लिए ये अधिकार आवश्यक हैं। ये वे नियम हैं जो विवेक पर आधारित होते हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियमों में अंतर। पहला अंतर है, प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक कार्य को करने की स्वतंत्रता देते हैं, जबकि प्राकृतिक कानून केवल उन कार्यों को करने की आज्ञा प्रदान करते हैं जो जीवन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। यानी अधिकार व्यक्ति को हर काम करने के लिए कह सकते हैं कि वो किसी की संपत्ति पर कब्जा कर ले, किसी से कुछ भी छीन ले, किसी की हत्या कर दे, किसी को मार डाले, और कानून वे हैं जो व्यक्ति को वह कार्य को करने के लिए कहते हैं जो कि जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दूसरा है, ये यानी प्राकृतिक अधिकार पशु शक्ति पर आधारित होते हैं, विवेक पर नहीं, जबकि कानून विवेक के वे नियम हैं जो मानव को दूसरों के साथ वैसा ही कार्य करने को कहता है जैसा वह अपने लिए चाहता है। यानी जो अधिकार हैं वो पशु शक्ति पर आधारित होते हैं, और पशु शक्ति पर आधारित होने के कारण अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति वो कार्य करता है जिससे कि वह लाभ प्राप्त करना चाहे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहे। और कानून विवेक पर आधारित हैं, और विवेक पर आधारित होने के कारण जो कानून है वो यह चाहते हैं कि व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह दूसरों से अपने लिए चाहता है। तीसरी अंतर है, अधिकारों का उपयोग प्राकृतिक दशा को युद्ध की दशा बना देता है जिससे व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जबकि कानून प्राकृतिक अवस्था को शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, अधिकारों का नागरिक समाज में महत्व नहीं है, और कानून नागरिक समाज में ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि अधिकार प्राकृतिक अवस्था में है लेकिन नागरिक समाज में अधिकारों का महत्व नहीं है, जबकि कानून नागरिक समाज में स्वीकार किए जाते हैं। अगला अंतर है, अधिकारों में नैतिकता का अभाव है, और जो प्राकृतिक कानून है वो नैतिकता उनमें नैतिकता होती है, यानी कि अधिकारों में किसी तरह के नैतिकता नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति किसी को भी हानि पहुंचा सकता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी संपत्ति छीन सकता है, जबकि जो प्राकृतिक
कानून हैं उनमें नैतिकता होती है। इस तरह से ये कुछ अंतर प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में हैं। नेक्स्ट है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियम। हॉब्स ने कुछ प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक कानून बताए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, प्रत्येक को शांति के लिए वहाँ तक प्रयास करना चाहिए जहाँ तक सफलता की आशा हो। यानी यह प्राकृतिक नियम है कि व्यक्ति को वहीं तक शांति की कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक उसे सफलता मिल सके। अगर उसे लग रहा है कि उसे सफलता शांति से नहीं मिल रही है तो फिर वह युद्ध कर सकता है। दूसरा है, व्यक्ति को शांति व आत्मरक्षा के साधन तब तक अपनाने चाहिए जहाँ तक दूसरे भी इसे अपनाते हैं। यानी कि प्राकृतिक कानून है कि एक व्यक्ति ऐसा नहीं कि दूसरे तो हिंसा अपनाएं, दूसरे अशांति को अपनाएं, दूसरे कुछ भी करें और एक व्यक्ति शांति की माला लेकर बैठ जाए, वो नहीं। व्यक्ति को शांति की स्थिति को वहीं तक स्वीकार करना चाहिए जब तक दूसरे भी शांति को अपनाते हैं। तीसरा नियम है, व्यक्ति को अपने समझौते का पालन हमेशा करना चाहिए। व्यक्ति के द्वारा राज्य में जो भी समझौता किया जाता है उस समझौते का पालन उसे हमेशा करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चलना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर चले। नेक्स्ट है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूसरे मनुष्य की भूलों को माफ कर देना चाहिए। यानी आने वाले समय की शांति को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक नियम है हॉब्स के अनुसार कि वह मनुष्य की भूलों को माफ कर दे। प्रतिशोध लेते समय विगत बुराई को नहीं अपितु आने वाले समय की अच्छाई को देखना चाहिए। यानी कि अगर व्यक्ति किसी से भी बदला ले रहा है तो बदला लेते समय उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वो एक अशांति की स्थिति को लाए, बल्कि विगत बुराई को देखते हुए नहीं बल्कि आने वाले समय की अच्छाई को देखते हुए उसे, अगर उसके मन में कोई बदला लेने की भावना है भी तो उसे टालने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कर्म, शब्द, मुद्रा, संकेत द्वारा दूसरे के प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए। यानी जैसे महात्मा गांधी कहते हैं ना, मन, वचन, कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, तो वो यह कहते हैं कि यह भी प्राकृतिक नियम है कि किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे को अपने समान समझना चाहिए। यानी कि प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह दूसरे के समान है। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को शांति की शर्तों को मानते समय स्वयं के लिए ऐसे अधिकार नहीं रखने चाहिए जो अधिकार अशांति लाते हैं। यानी कि वे प्राकृतिक अधिकार जो समाज में अशांति लाते हैं, समाज में अव्यवस्था लाते हैं, उन अधिकारों को व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए हॉब्स कहते हैं कि जब समाज का निर्माण हो जाता है तो प्राकृतिक अधिकार अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अधिकारों के लिए व्यक्ति में आपस में संघर्ष की स्थिति होती है, वह संघर्ष तनाव बढ़ाता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति को कृतघ्न नहीं होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति दया भाव रखे, ऐसा प्राकृतिक नियम है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक नियम हॉब्स ने बताए हैं उसमें जो प्रथम तीन है कि व्यक्ति को समझौते का पालन करना चाहिए, शांति वो आत्मरक्षा के साधन को अपनाना चाहिए, शांति का प्रयास करना चाहिए, अगर वह इन तीन नियमों को अपनाता है तो कठिनाइयों और विपत्ति से बच सकता है। प्राकृतिक नियम वे सिद्धांत हैं जिनसे समाज का निर्माण होता है। ये शांति की धाराएं हैं। मनुष्य प्राकृतिक दशा में भी सुखी रह सकता है अगर वह इन प्राकृतिक कानूनों को अपने विवेक के माध्यम से समझ सकता है। यानी कि अगर व्यक्ति में विवेक है और विवेक के माध्यम से वह इन प्राकृतिक कानूनों को समझ लेता है तो प्राकृतिक दशा भी शांति की दशा हो जाती है। यानी हॉब्स यह मानता है कि प्राकृतिक कानून शांति की धाराएं हैं जिनसे प्राकृतिक दशा में मनुष्य सुखी हो जाता है। लेकिन हॉब्स का मानना है कि प्राकृतिक कानून तभी लागू हो पाते हैं जब कोई बाध्यकारी ताकत हो और वह इनको लागू कराए। यानी एक ऐसी ताकत हो जो इनको लागू कराए, और अगर कोई प्राकृतिक कानूनों का पालन नहीं कर रहा है तो उन्हें
दंड दिया जाए तब तो ये प्राकृतिक कानून सही रूप में चलते हैं, और अगर व्यक्ति को दंड नहीं मिलता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, व्यक्ति उच्छृंखल हो जाता है, वह ना तो किसी प्राकृतिक नियम को मानता है ना ही किसी स्थिति को मानता है, वह केवल अपने अधिकारों के बारे में सजग रहता है। और जब समाज में ऐसी स्थिति होती है तो वह स्थिति एक दुष्ट प्राकृतिक दशा की स्थिति होती है, यानी हॉब्स ये मानकर चलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में, जो पूर्ववर्ती लेक्चर में आपको बताया कि मनुष्य के बुरे स्वभाव के कारण एक खराब प्राकृतिक अवस्था थी, एक भयंकर प्राकृतिक अवस्था थी, मनुष्य असभ्य था, असामाजिक था, अव्यवहारिक था, समाज में तनाव को बढ़ा रहा था, प्राकृतिक कानून थे, प्राकृतिक अधिकार और कानून दोनों ही थे, व्यक्ति अधिकारों को तो समझ रहा था लेकिन वह प्राकृतिक कानूनों को नहीं समझ पा रहा था क्योंकि उसका विवेक जागृत नहीं था और उसका विवेक जागृत करने के लिए कोई बाध्यकारी ताकत नहीं थी, और बाध्यकारी ताकत नहीं होने के कारण इस अराजक स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति के द्वारा एक समझौता किया गया और उस समझौते के बाद राज्य का निर्माण हुआ। यानी जब समाज में पूरी तरह से पाश्विक प्रवृत्तियों ने अपना जोड़ दिया, जब पाश्विक प्रवृत्तियां बढ़ने लगी, बढ़ती रहीं, और उन पाश्विक प्रवृत्तियों के कारण पूरी तरह से समाज में अराजक स्थिति आ गई और व्यक्ति को लगा कि ना तो उसका जीवन सुरक्षित है, व्यक्ति को लगा ना उसकी संपत्ति सुरक्षित है, तो उसे एक ऐसे बाध्यकारी ताकत की जरूरत हुई जो समाज में व्यवस्था लाए। तब मजबूरी में उसने एक समझौता किया और उससे राज्य का निर्माण हुआ। धन्यवाद।